नमस्कार दोस्तों, बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ खेली जाने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज के लिए कंफर्म कर दिया है भारतीय टीम का स्क्वाड। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना है कि ये हमारी भारतीय टीम अब टेस्ट सीरीज खेलने के बाद ही तुरंत ही इंग्लैंड के खिलाफ तीन ओडीआई मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, जिसके लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम स्क्वाड का ऐलान भी हो चुका है, जहां पर इस सीरीज के लिए भारतीय टीम में कई सारे बड़े बदलाव देखने को मिले हैं, जहां पर इस सीरीज के लिए भारतीय टीम से श्रेयस अय्यर, युजवेंद्र चहल जैसे धाकड़ खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। तो वहीं टीम इंडिया में कई सारे युवा खिलाड़ियों की वापसी भी हो चुकी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए सब कुछ बताएंगे, भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज का आगाज कब से होने जा रहा है और भारत के किन 15 खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज में मौका मिला है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हां दोस्तों, अब हमारी भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसमें टीम इंडिया दूसरा टेस्ट महामुकाबला जीत के मुहाने पर खड़ी हुई है। लेकिन इसी बीच ही बीसीसीआई ने इंग्लैंड के खिलाफ ही तीन वनडे मैचों की सीरीज का शेड्यूल भी घोषित कर दिया है, जहां पर टेस्ट सीरीज के तुरंत बाद ही हमारी भारतीय टीम तीन ओडीआई मैचों की सीरीज खेलने जा रही है, जिसका आगाज 2 मार्च से होने जा रहा है, जहाँ पर पहला महामुकाबला 2 मार्च तो वहीं दूसरा महामुकाबला 5 मार्च और आखिरी और निर्णायक महामुकाबला 8 मार्च को खेला जाने वाला है, जिसके लिए भारतीय टीम की कमान एक बार रोहित शर्मा के हाथों में सौंपी गई है। तो इसके अलावा टीम में केएल राहुल, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा एक बार फिर से ओडीआई टीम में खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिससे अब टीम इंडिया की इस सीरीज में जीत सुनिश्चित मानी जा रही। तो वहीं इंग्लैंड की टीम भी इस ओडीआई सीरीज के लिए काफ़ी उत्साहक नजर आ रही है, इसलिए इन दोनों टीमों के बीच है ओडीआई सीरीज काफ़ी कड़ी और रोमांचक होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। तो वहीं बीसीसीआई ने इन 15 खिलाड़ियों के लिए इस सीरीज के लिए चुना, जहां पर पहले और दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो टीम के कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल एक बार पीछे वनडे क्रिकेट में भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। हालांकि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा इस समय फॉर्म से जूझ रहे हैं, लेकिन उम्मीद है कि वह इस वनडे सीरीज से पहले अपनी फॉर्म में वापसी करेंगे। तो वहीं यशस्वी जायसवाल लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं 3 और 4 नंबर के लिए टीम में विराट कोहली और सुमन गिल जैसे धाकड़ बल्लेबाज मौजूद हैं, क्योंकि सुमन गिल अब दोबारा से फॉर्म में वापस आ चुके हैं। तो वहीं विराट कोहली वनडे क्रिकेट के काफ़ी खतरनाक बैट्समैन माने जाते हैं। तो वहीं 5 और 6 नंबर के लिए टीम में 2 विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और केएल राहुल के लिए वनडे टीम में एक बार फिर से मौका मिल चुका है, क्योंकि यह दोनों ही खिलाड़ी वनडे क्रिकेट में अपनी घातक बल्लेबाजी तथा विकेट कीपरिंग के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं 7 और 8 नंबर के लिए टीम में हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर जैसे धाकड़ बल्लेबाज एक बार फिर से वनडे टीम में खेलने का मौका मिला है, क्योंकि हार्दिक पांड्या चोट के बाद अब दोबारा से वनडे टीम में वापसी करने जा रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के बाद अब वनडे टीम में खेलेंगे। तो वहीं 9 और 10 के लिए टीम में 2 ऑलराउंडर खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल के लिए इस सीरीज में एक बार फिर से भारतीय टीम में खेलने का मौका मिला है, क्योंकि यह दोनों ही वनडे क्रिकेट का भी खतरनाक ऑलराउंडर माने जाते हैं। तो वहीं 11वें नंबर के लिए टीम में एक स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव इस सीरीज के लिए एक बार फिर से चुने गए हैं, क्योंकि कुलदीप यादव ने वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो वहीं 13 नंबर के लिए टीम में 2 धाकड़ तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी एक बार फिर से खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, क्योंकि ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद अब मोहम्मद शमी दोबारा से भारतीय टीम में वापसी कर रहे हैं। तो वहीं 14वें खिलाड़ी के रूप में टीम में अर्शदीप सिंह जैसे धाकड़ तेज गेंदबाज भी मौजूद है। तो वहीं 15वें खिलाड़ी के रूप में भारतीय टीम में फिनिशर बल्लेबाज रिंकू सिंह के लिए एक बार फिर से ओडीआई टीम में खेलने का मौका दिया गया है। तो अब देखना होगा कि इन्हीं 15 खिलाड़ियों के साथ अब भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में किस प्रकार का प्रदर्शन करती हुई दिखाई देने वाली है।